इधर आओ, नीचे क्या कर रहे हो? आदि आदि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। आज का मेरा व्लॉग शुरू होता है सुबह से। गुड मॉर्निंग, ये सुबह का टाइम है, नाश्ते की तैयारी हो रही है। ये राफे का दूध गर्म हो रहा है और ये जो कल रात को बनाया था टमाटर का खट्टा वो गर्म हो रहा है सुबह नाश्ते के लिए। गर्म करके रख रही हूँ क्योंकि गैस चली जाएगी। और ये है तुरई, तो मैंने कहा था सुबह खाएंगे तो ये तुरई भी गर्म करके रख रही हूँ। और मुबारक हो पाकिस्तानियों, गैस है। मुबारक हो पाकिस्तानियों, गैस नहीं है। तो आज है सैटरडे, आज है हादी की छुट्टी, गैस चली गई है। एक पराठा बनाया चूल्हे पे, गैस चली गई, गैस की मर्जी चली गई गैस। अब हम सिलेंडर पे बना रहे हैं भाई, ऊपर से बेल के बुबू दे रही है और नीचे मैं बैठ के बना रही हूँ। मैं हम क्या कर सकते, इसी कष्ट में बनाएंगे और चलते जाएंगे और सब्र करते जाएंगे क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। तो जी, खर्चा तो खर्चा और कष्ट भी कष्ट, बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ये भी दिन ख़त्म कर देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सब भी दुआ कीजिएगा हमारे लिए। कहते ज़िंदगी को ना हर टाइम जो है ना मुस्कुरा के, हंसते मुस्कुराते गुजारना चाहिए। ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी, चाहे दुख में गुजारे, चाहे सुख में गुजारे, चाहे जो ना तकलीफ में गुजारे, उसने तो गुजरनी है। और जिस टाइम पे जितनी तकलीफ आनी है तो रोना धोना काय बात का, रोना धोना नहीं, सिर्फ अल्लाह से लौ लगाओ और सब्र से काम लो। इंशाल्लाह अल्लाह हालात बदलने वाला है, अल्लाह देने वाला है और इंशाल्लाह ये दिन भी चला जाएगा इंशाल्लाह। ये देखो पराठा मेरा सुबह सुबह का, सुबह सुबह चाय पराठा हो, मज़ा देखिए। सिलेंडर में ये है कि एक साइड से आग आती है, मतलब बीच में आग आती है थोड़ी सी हल्की सी, और चूल्हे में ये कि चारों तरफ से तेज़ आग आती है। तो पराठा बहुत अच्छा बनता है गैस में ना, और सिलेंडर में ऐसा बनता है। और बहुत एहतियात से बनाना पड़ता है, हल्का करना पड़ता है। ये देखो फिर भी बीच में से थोड़ा सा जल गया, एहतियात से बनाने के बाद पराठा जले ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। बना तो क्रिस्पी है उस बीच। चलो दो दूसरा पराठा, क्रिस्पी पराठा, पठान वाले होटल का पराठा है। ये सब बना सकते हैं आप लोग। ये देखो मैंने बनाया है पराठा, तब मज़ेदार पराठा बना अपने मियाँ के लिए। देखिए उनको ये लो, और तुरई खा के बताओ कैसा है। शानदार माशाल्लाह, शानदार बना है। कैसा बना है? अच्छा। तो रात को भी खाया है, अभी पराठे के साथ अच्छा लगा है। चलो भाई मैं पास हो गई, अच्छा बना है। चाय है और ये मैं हूँ और यहाँ पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है, वो भी केक की। चूरी तो ले क्या सुबह नाश्ता। चलो पराठा खा चुके हैं, चाय पी रही हूँ। और ये देखें भाई, मैं तो चम्मच से ही लेके खाऊंगा। चुप, क्या हो गया? जो उसको क्रीम ज़्यादा पसंद है ना, वो ये वाला केक वाला था वो बस। क्रीमी केक लाए राणा साहब, देखिए क्रीमी केक। सुबह सुबह नाश्ते में कैसा हादी, कैसा कर रहा है? बर्थडे जा चुकी है। राफे का बर्थडे था 4 मई को, हमने सेलिब्रेशन ही नहीं की। वो ऐसे सूखा कांका सा डर लगा रहता है हमेशा, उसको ऐसी नज़र लग रही होती है, डर लगा हुआ है क्योंकि कमज़ोर सा है। तो चलो आज हम
मना लेते हैं राफे का बर्थडे, पुराना हो चुका है। अच्छा तुझे बड़ा प्लेट में चाहिए चाय के साथ। और एक कटोरा लेके आइए, कह रहे दो ना। चलो भाई कट करो। चलो अब आगे ये ना खाती, ये वाले चम्मच से जाएगा। भैया केक खाओगे? नहीं नहीं शाज़ब नहीं खाएगा, शाज़ब नहीं खाता है केक ना शाज़ब। मैं डबल खाता, कह रहे मैं डबल खाता हूँ। दे भैया को दे वाला, और भाई अभी बुबू को दो। ये लो बुबू। हम दोनों तो फिर इसी में शुरू हो गए। अम्मा हादी को दो। जी अम्मी निकाल के रख दो। हाँ जी आ जाओ। हादी को दे दो। अब्दुल हादी तुम तो जाना बड़ा पीस ही मांगोगे। ये लो। मैं तो कितना बड़ा पीस भी दे रहा हूँ। साइड हो जाओ। ये जो ना चलो शक्ल बोल दो। मैं बस और भी खाऊंगा जी। मैं देखो देखो कट करके राफे खाएगा, राफे तो सड़ू है कुछ नहीं खाता। वेलकम बैक, मैं फिर से आ गई। अभी है रात का टाइम, तकरीबन बज रहा है 8:30 और मुबारक हो पाकिस्तानी हो, गैस है। तो मैं बना रही हूँ मज़ेदार देगी पुलाव, देगी अंडा पुलाव, ठीक है। और ये राफे का दूध गर्म हो रहा है और इसके साथ मैं बना रही हूँ, के साथ बना रही हूँ ये वही वाली चटनी। टमाटर कम कर दिया थोड़ा, टमाटर डाल दो, मंदी वाली जो चटनी है ना वो। और ये है अंडा ज़बरदस्त सा। चलो मैं अब इसमें चावल डालने जा रही हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखे देगी पुलाव, देगी अंडा पुलाव, देगी अंडा पुलाव तैयार है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए तो मेरा सेकंड चैनल है सदफराना रसोई को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और विज़िट करना मत भूलिएगा। विज़िट करें और जाके जल्दी से जल्दी ये वाली रेसिपी देखिए, कितना मज़ेदार कितना खूबसूरत ये बना है, देगी पुलाव, देगी अंडा पुलाव। तो अभी है डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम जी। अब मैं निकाल रही हूँ शाज़ेब के लिए, शाज़ेब ऑफिस ले जाएगा, कम लेके जाता। मैं इसे कहती हूँ ज़्यादा करके दे, कह रहे वहाँ पे चावल कोई नहीं खाता। के लिए निकाल दिए, अब प्लेट दे मुझे। ये एक पड़ोसी का है, ये एक पड़ोसी का, के लिए निकाल रही हूँ। ये जो है ना ये निकाल लिया कल दोपहर के लिए, अभी इसमें तो चावल कम है, हम सब खा रहे तो उसमें से मैंने कहा बचेगा तो इसमें है ना और ऐड कर देना, तो ये फुल भर जाएगा जितना बचा है ना। माशाल्लाह से 1.5 किलो चावल का मैंने बनाया था तो ये बचा है वो, तो इसमें रख देंगे तो कल दोपहर का इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा। चले चलते इजाज़त दीजिए, व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नए नए व्लॉग और रेसिपी लेके आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।